देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर रीचिंग द टॉप, इस टॉपिक के माध्यम से राइटर ये बताने का कोशिश करते हैं कि किसी भी वर्क को करने के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट डिटर्मिनेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन, और ये दोनों जो पार्ट है इस चैप्टर का, दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में लिया गया है संतोष यादव को और दूसरे पार्ट में लिया गया है मारिया जसवंपा को। ये दोनों कैरेक्टर लेने के पीछे पोएट का एक ही मोटिव है, राइटर का एक ही मोटिव है कि हाउ द बोथ कैरेक्टर गोट देयर एम। बस ये बात समझनी हम लोग को बहुत जरूरी है। अब 9 क्लास में भी आप लोग आ चुके हैं, यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इसमें दूसरा कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू डू एवरीथिंग। जिस तरह एक छोटे से उम्र में, या तो संतोष यादव की बात करें या तो मारिया जसवंपा की बात करें, वो डिटरमाइंड हो गया, हो गई दोनों। जैसे तुम लोग आई हो, तुम लोग चाहती हो, तुम्हारा लाइफ का एक एम है, उसी एम की ओर अग्रसर हो रही हो। कैसे वो आगे बढ़ी, क्या मुसीबत आई उनको, संतोष यादव को क्या मुसीबत आई, मारिया जसवंपा को, जितनी भी व्यक्तियां हैं सबका अपना एक अलग परेशानी है, सबको एक ही परेशानी नहीं होती। कुछ दिन पहले की बात है, एक सर हैं खान सर से आप लोग सब परिचित हैं, उन्होंने कहा कि उनके कोचिंग में एक बच्चा बच्ची आई एडमिशन कराने के लिए। ड्यूरिंग द टाइम दैट उनकी नजर पड़ गई एक उस बच्ची के माथा में, और उन्होंने पूछ लिया कि बेटा बताओ कि आखिर माथा क्यों सिलाई है। तो उन्होंने रोते हुए जवाब दिया कि सर, हमारे घर वाले हमारी शादी करा देना चाहते हैं, हमको पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने अपना बाल खुद ही छील लिया। ये वाक्या सचमुच में बहुत ही दर्द विदारक है। मैं और पूरा टीचर समाज, सोसाइटी इस बात का आग्रह करता है पेरेंट्स के साथ कि प्लीज लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये छोटी छोटी सामाजिक बंधनों से ऊपर उठी, और जब ऊपर उठती हैं तो वो करके दिखाती हैं। ये दोनों कैरेक्टर फीमेल हैं, मेल नहीं है। आप जब इंग्लिश को समझ में आती होगी आप लोगों को, ठीक है, तो आप रीड करके उस रीड कीजिए एक बार, जहां कोई परेशानी आती है वहां हमसे बोलिए, सर यहां इस बात को नहीं समझ पाए, इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, इसके थ्रू क्या आप राइटर कहना चाहते हैं, क्योंकि लिटरेचर की भाषाएं थोड़ी सी अलग होती हैं ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल के हिसाब से। आप लोग डिटरमाइंड हो जाइए
और हम आशा करते हैं कि तुम सभी बी अ टॉप पोजीशन। मैं आपका टीचर यूपीएससी के फाइनल से आया हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा स्टूडेंट, हमारी ये चार पांच बच्चियां यूपीएससी तक पहुंच जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आपकी बुक में, इंग्लिश में, हिंदी में जो कहानी दी हुई है, वो कहानी के क्वेश्चन आंसर की तरफ आप मत दौड़िए। आप दौड़िए उसका कैरेक्टर के ऊपर, उस कैरेक्टर को क्यों दर्शाया गया है आपके सामने। ये राइटर जानता है या उससे कुछ सीख सकते हैं। आप उस एज में पहुंच गए हैं कि दूसरे से देख करके, दूसरे की कहानी से आप अपने डिटरमाइंड हो सकते हैं। संतोष यादव की अलग कहानी है, मारिया जसोपा की अलग कहानी है, कल खान सर जो लड़की को के बारे में बात बताए उसकी कहानी अलग है, सबका प्रॉब्लम अलग है। प्लीज कम अप, ये दोनों में कैसे काम होता है, अपने बॉडी को कैसे मेंटेन रखना पड़ता है। आप जिस ओर जा रहे हैं उस ओर एक ही चीज की आवश्यकता नहीं है, आपका डिटर्मिनेशन चाहिए। आज इतना ही बताएंगे, कल आप लोग पढ़ के आइए और उसमें जहां लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी वहाँ बात कीजिएगा और लिख करके भी आएंगे आप लोग। हम को लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोग की इंग्लिश आती है, आप डीपीएस में पढ़ती हैं, तुम कपिल देव डीएवी कपिल देव में पढ़ती हो, वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं समझा कोई भी सकता है, लेकिन समझने वाला आदमी होना चाहिए, भावनात्मक। मैथ्स में आप लोग का बुक खत्म हो गया है, कहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पूछने का प्रयास कीजिए। साइंस भी मैं पढ़ा के खत्म कर चुका हूँ, एसएसटी भी लगभग पूरी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारा तो टेस्ट अच्छा है, बस एक ही काम करना है, प्लीज हमारा हार्ट बहुत कमज़ोर है, प्लीज डू नॉट टेल अ लाई विथ मी। ये ना हम आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम लोग झूठ खाली नहीं बोलो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। टाइम भी हो रहा है ना, आप लोग कल करके आइएगा, मैथ वाला वो क्वेश्चन करके आना है, 5 बजे लिखाए हैं, और अभी जाइए साइंस वाला क्वेश्चन हम भेज देंगे, उसको कीजिएगा, जिसे नहीं हो पाएगा वो नहीं करेगा, कल लाएगा, कल फिर बात करिएगा। अब हो सकता है कि कल हम अगर रुक जाएं तो आप फोन में बात कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। दिस I am not going to take any cost. Please grow up. आपका मुकाम पर पहुंच जाइएगा, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है? ठीक जाओ, ठीक। तो ठीक है।